नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पूजा सिंह है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट हूँ। आज हम लोग ऑटिज़म के बारे में बात करेंगे। ऑटिज़म, जिसे हम आत्म केंद्रियता भी कहते हैं, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, दिमाग के विकास की तकलीफ जो बच्चों में देखी जाती है। ये बच्चे में 1 साल से ये तकलीफ शुरू हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर माँ बाप जब हमारे पास आते हैं तो या तो वो बच्चा 3 साल या उससे ज़्यादा का रहता है। सबसे कॉमन कंप्लेंट्स जो माँ बाप की रहती है वो होती है कि बच्चा बोल नहीं रहा। अगर बोल भी रहा है तो बहुत कम शब्द बोल रहा है, मामा, पापा, बाबा, उसकी बहुत लिमिटेड वोकैबुलरी है। दूसरी जो कॉमन कंप्लेन है वो है कि बच्चा जब माँ बाप उसे बुलाते हैं तो वो सुनता नहीं, पलट के देखता नहीं, जवाब नहीं देता। इसका कारण ये नहीं है कि उसे सुनाई नहीं दे रहा, वो सुन पाता है, उसकी हेयरिंग नॉर्मल है, लेकिन वो अपने शरीर में, अपनी दुनिया में इतना खोया हुआ है कि उसे वो आवाज़ उसके कानों पर पड़ती है पर फिर भी उसका दिमाग उसे प्रोसेस नहीं करता, वो सुनता नहीं। तीसरी कंप्लेन जो आती है वो है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे का आई टू आई कांटेक्ट पुअर है, बच्चा हमसे आंख में आंख मिला के देखता नहीं। इसका कारण ये है पेरेंट्स कि ऑटिज्म में बच्चों को इंसान की शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये आउटलाइन जो फेस की होती है ये उन्हें नहीं अच्छी लगती, इसलिए वो अवॉइड करते हैं इंसानी शक्लों को देखना। सेम वो आवाज़ें, इंसान की आवाज़ें भी पसंद नहीं करते, इसलिए वो सुनकर सीखते भी नहीं क्योंकि उन्हें वो इंसान की आवाज़ें पसंद नहीं आती। चौथी कंप्लेन जो है वो होती है, जो माएँ अक्सर बोलती हैं, कि हम अपने बच्चे के साथ एक इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पा रहे, हमारा बच्चा हमसे डिमांड नहीं करता, हमसे आके हमें हग नहीं करता, हमें प्यार नहीं करता, हमें गले नहीं लगाने देता, दूर रहता है। पांचवी कंप्लेन ये होती है कि बच्चा अकेले खेलना पसंद करता है, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ इंटरेक्शन उसका बहुत ही लिमिटेड है या नहीं है। इसके अलावा जो सिम्टम्स दिखते हैं वो हैं, कुछ बच्चे रेपिटेटिव मूवमेंट्स करते हैं, जैसे घूमते ही जाना या एक ही जगह पे जंप करते जाना बार बार, या अपने हाथों को ऐसे फ्लैप करना या ताली बजाते रहना। और कुछ बच्चों में देखा गया है कि वो अपनी उंगलियों से खेलना बहुत पसंद करते हैं, उसको अपने चेहरे के पास लाके उंगलियों से खेलेंगे। ये सबसे ज़्यादातर देखे गए ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं। कुछ बच्चों में रिग्रेशन होता है। रिग्रेशन से हमारा मतलब है कि 1-1.5 साल तक बच्चा नॉर्मल माइलस्टोन्स रहते हैं उसके, वो बोल रहा होता है, इंटरेक्ट करता है, लेकिन एकदम से 1-1.5 साल के बाद वो सब जो उसने प्रोग्रेस दिखाई है वो सब ज़ीरो हो जाती है, बोलना बंद हो जाता है, माँ बाप के साथ इंटरेक्शन बंद हो जाता है, बच्चा पीछे चला जाता है। इसलिए पेरेंट्स, बहुत ज़रूरी है कि हम ये सिम्टम्स जल्द से जल्द पकड़े और उस पर काम करने लगे। जितना जल्दी बच्चा थेरेपिस्ट के पास पहुंचेगा और उस पर काम शुरू होगा उतने जल्दी वो रिजल्ट्स देगा और काम करना भी बच्चे के साथ आसान हो जाएगा। एक बार बच्चे का वजन बढ़ जाता है, उसका शरीर ग्रो करता है, तब हमें बच्चे के साथ काम करने में थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि बच्चे स्टबन, ढीठ हो जाते हैं, हमारी बात सुनते नहीं, हम उनसे कुछ करवाना चाहते हैं तो वो गुस्सा करते हैं, जैसे हम टेम्पर टैंट्रम्स बोलते हैं, हमें काटेंगे या हमें गुस्सा करेंगे, मारेंगे। तो अगर छोटा बच्चा है तो ऐसे बच्चे के साथ काम करना आसान होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसमें कोई दवाई ऐसी नहीं है जो ऑटिज़म ठीक कर देगी। इसके लिए हमको एक होलिस्टिक अप्रोच, मतलब स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और रेमेडिएशन, ये तीनों चीज़ें हमें एक साथ चलानी है, तब बच्चे में रिजल्ट आता है। और सबसे ज़रूरी है इन सब की पेरेंटल ट्रेनिंग, माँ बाप को ट्रेन करना कि ये सब बच्चे को आप कैसे कराएंगे, क्योंकि
क्योंकि माँ बाप फिर यही सब बच्चे की रेगुलर दिनचर्या में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, घर में बार बार रिपीट करवा सकते हैं, उससे इम्प्रूवमेंट जल्दी आता है। इसमें जो पेरेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं ज़्यादातर, वो होता है अफोर्डेबिलिटी का। तो ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ ये सब एक साथ होता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि सब साथ में चले और पेरेंट्स को ट्रेनिंग ज़रूर मिले। इसलिए हम अपने इंस्टीट्यूट में यहाँ पे हम इंसिस्ट करते हैं कि माँ भी बच्चे के साथ बैठे और थेरेपिस्ट से सीखे कि क्या हो रहा है। सो आई होप पेरेंट्स कि आपको इस आज के वीडियो से कुछ ऑटिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको थेरेपी सेशंस दिखाएंगे, बच्चों के साथ लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, 1-to-1। बच्चा कोऑपरेटिव है तब भी कैसे काम करना और अनकोऑपरेटिव है तब कैसे काम करना, उसके आपको टिप्स देंगे। सो थैंक यू। विजयी भव तथा अस्तु।